गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा, आपका कक्षा 10वीं जनरल इंग्लिश की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पोम लाइट द लैम्प ऑफ द लव का एक्सप्लेनेशन और उसका अर्थ का अध्ययन किया था। इसके पश्चात आज हम इसी पोम के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे और आप इन क्वेश्चन आंसर को पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद अपनी नोटबुक में नोट करिए और उसे याद करने का प्रयास। तो चलिए शुरू करते हैं पोम वन के क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन वन है, व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट। स्पीकर अर्थात बोलने वाला वक्ता या कवि यहाँ पर ईश्वर से सबसे पहले क्या करने को कहता है। आंसर देखेंगे, द स्पीकर वॉन्ट्स द लॉर्ड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव फर्स्ट, दैट मीन्स ही मस्ट हैव लव हिज मास्टर। यहाँ पर कवि या स्पीकर ईश्वर से प्रेम का दीपक सबसे पहले प्रज्वलित करने को कहता है। इसका अर्थ यह है कि वह अपने ईश्वर या मास्टर से प्यार करता है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, वॉट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोम। इस पोम में जो दिया की बात की गई है, जिस दीपक की बात की गई है, वह किस प्रकार का है, किस प्रकार का दीपक इस पोम में पूछा गया है। आंसर है, द लैम्प इज ट्रांसम्यूटिंग चेंजिंग सम टाइम ऑर्डिनरी इंटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यहाँ पर जो दीपक है वो ट्रांसम्यूटिंग अर्थात परिवर्तनकारी है और वो एक साधारण सी चीज को असाधारण रूप में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोम। यहाँ पर डार्कनेस से इस पोएम में डार्कनेस से क्या आशा है, यहाँ पर डार्कनेस या अंधकार किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है। आंसर है, डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस इन द पोएम। यहाँ पर जो अंधकार का शब्द उपयोग हुआ है वो अज्ञानता या इग्नोरेंस के लिए उपयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर टू। सेंसेस यानी ज्ञानेंद्रियां किस चीज से तुलना की गई है, यहाँ पर सेंसेस को किस चीज से तुलना किया गया है। आंसर है, senses are compared to lamps that are poet lighted। यहाँ पर जो senses हैं या ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनको दीपक के रूप में compare किया गया है जिसको वो poet है या कवि है वो प्रज्वलित करना चाहता है। चलिए अब हम poem का बी पार्ट देखते हैं। Answer the following questions 3 or 4 lines। ये आपके 3 या 4 लाइन के क्वेश्चन के आंसर रहेंगे जो कि 3 से 4 मार्क्स के भी हो सकते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर एंड व्हाई डज द पोएट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प। यहाँ पर कवि कहाँ पर और कैसे ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह दीप को जलाए या दीपक को प्रज्वलित करे। आंसर देखते हैं, द पोएट वॉन्ट्स गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ लव इन हिज हार्ट टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ ऑल ईविल्स एंड अनहैप्पीनेस। इफ देयर इज लाइट नॉलेज हिज इग्नोरेंस विल बी रिमूव्ड एंड ही विल बी हैप्पी। एक बार फिर से आंसर को मैं पढ़ूंगी, आप लोग ध्यान से साथ साथ में बोलिएगा भी। आंसर है, द पोएट वॉन्ट्स गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ लव इन हिज हार्ट टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ ऑल ईविल्स एंड अनहैप्पीनेस। इफ देयर इज लाइट नॉलेज हिज इग्नोरेंस विल बी रिमूव्ड एंड ही विल बी हैप्पी। तो इसका अर्थ है कि जो कवि है वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो उसके हृदय में प्यार का दिया जलाए, जिसके दिए के जलने से उसके हृदय में जो अज्ञानता का अंधकार है
वो दूर हो सके, क्योंकि जो अज्ञानता होती है वो सारी बुराइयों की और सारे दुखों की जड़ है। इसलिए अज्ञानता अगर रिमूव हो जाती है, अलग हो जाती है, तो मनुष्य खुश हो जाता है और हैप्पी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। व्हाट डज द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट? आत्मा का द्वार किसे कहा गया है या किसे सजेस्ट किया गया है? आंसर देखेंगे। थोड़ा सा तुलसीदास जी की हिंदी की कुछ लाइनें हम यहाँ पर ऐड करेंगे। राम नाम मणि दीप धर, जिह्वा देहरी द्वार, भीतर बाहरी जो चाहे सी उजियार। एक बार फिर से पढ़ूंगी। राम नाम मणि दीप धर, जिह्वा देहरी द्वार, भीतर बाहरी जो चाहे सी उजियार। ये तुलसीदास जी की कुछ लाइनें हैं कविता की, कि अर्थात राम नाम के दीप को हम अपने द्वार पर रखकर, जिह्वा के द्वार पर रखकर के अंदर और बाहर प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। आगे इसका आंसर देखते हैं। इट मीन्स इफ यू लाइट द लैंप ऑफ राम्स नेम ऑन द टिप ऑफ योर टंग, यू योर एंड आउट बोथ विल बी लाइटेड। द डोर सजेस्ट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द सोल एंड द बॉडी इज माइंड। इफ नॉलेज इज इन द माइंड, इनर एंड आउटर वर्ल्ड बोथ विल बी लाइटेड। अगेन आई रिपीटेड, आंसर है राम नाम मणि दीप धर, जिह्वा देहरी द्वार, भीतर बाहरी जो चाहे सी उजियार। तुलसीदास, इट मीन्स इफ यू लाइट द लैंप ऑफ राम्स नेम ऑन द टिप ऑफ योर टंग, यूर इन एंड आउट बोथ विल बी लाइटेड। द डोर सजेस्ट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द सोल एंड द बॉडी इज माइंड। इफ नॉलेज इज इन माइंड, इनर एंड आउटर वर्ल्ड बोथ बी लाइटेड। इट मीन्स इफ यू लाइट द लैंप्स ऑफ राम नेम ऑन द टिप ऑफ योर टंग, इसका अर्थ है कि यदि आप राम नाम या ईश्वर का नाम आप अपनी जीभ के टिप पर, टिप यानी नोक, हिस्सा, छोर, किनारा, यदि आप अपनी जीभ की नोक या उस किनारे पर राम नाम का लाइट यदि या जलाते हैं, तो तुम्हारे अंदर और बाहर दोनों तरफ उजियारा हो जाता है, दोनों तरफ प्रकाशवान हो जाते हो आप, आंतरिक तौर पर और बाह्य तौर पर। जो दरवाजा, डोर यहाँ पे सजेस्ट किया गया है, वो दरवाजा कौन सा है? वो दरवाजा है आपकी आत्मा और आपके शरीर से जुड़े हुए दिमागी हिस्से का, आपके दिमाग का, आपकी आत्मा का। तो आपके शरीर और आपकी सोल दोनों के भीतर है जो ज्वाइंट है, वो है डोर, वो आत्मा का दरवाजा जो आपको ज्ञान को प्रवेश कराता है। इफ नॉलेज इज इन माइंड, अर्थात आपके दिमाग में ज्ञान का प्रवेश हो जाता है, तो हमारे इनर एंड आउटर वर्ल्ड बोथ विल बी लाइटेड। तो हमारा आंतरिक जगत और बाह्य जगत, जहाँ से हम जुड़े हुए हैं, सभी प्रकाशवान हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों। अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर लंबे हैं, लेकिन अगर आप इनको बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको लाइन बाय लाइन याद करेंगे, तो ये आपको आसान लगने लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट शुड बी प्रे फॉर, हमें किस चीज के लिए प्रार्थना करना चाहिए? आंसर है वी शुड प्रे टू गॉड टू चेंज अवर डार्कनेस इग्नोरेंस इनटू लाइट, इट मींस नॉलेज। वी शुड आस्क हिम आल्सो टू चेंज अवर इविल इनटू गुड। वी शुड आल्सो प्रे to him to touch us so that all our clay means mortal life may change into gold means immortal life. अर्थात we should pray to God to change our darkness ignorance into light या knowledge। इसका अर्थ है कि हमें ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को प्रकाश रूपी ज्ञानता में बदल दे, हम ज्ञानवान हो जाएं। वी शुड आस्क हिम आल्सो टू चेंज अवर ईविल इनटू गुड, हमें उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हमारी जितनी बुराइयां हैं उन सभी बुराइयों को वो किस में बदल दे, अच्छाइयों में, ईविल यानी बुराई।
और गुड़िया ने अच्छाई, तो हमारी सारी बुराइयों को वो अच्छाइयों में बदल दे। वी शुड ऑल्सो प्रे टू हिम टू टच अस सो दैट अवर क्ले मे चेंज इन टू गोल्ड। हमको उनसे ये भी प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमें एक बार स्पर्श कर लें, एक बार हमें उस ईश्वर परम सत्ता और उसके परम ज्ञान का स्पर्श हो जाए, हमें अनुभव हो जाए, तो हमारी ये जो क्ले यानी ये जो हमारी नश्वर काया है या मोर्टल लाइफ जो मृत्यु युक्त हमारी जो काया है उसको हम किस में बदल सके, गोल्ड। गोल्ड यानी इमोर्टल लाइफ, हम मृत्यु वाले क्षेत्र से निकल करके अमृत वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाएं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोम लाइट द लैम्प ऑफ दाय लव। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया था कि इस पोम का मैसेज क्या जाता है, और अगेन एक बार फिर से हम इसके आंसर को देखते हैं। द पोएट प्रेज टू गॉड दैट ही इज इन्वॉल्व इन द डार्कनेस ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स। ही आस्क गॉड टू इम्प्लांट द लाइट ऑफ द लव इन हिम। जो कवि है वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, अभी तक तो मैं इस दुनिया के मामलों में, दुनिया के रहस्यों में, दुनिया के अफेयर्स में इतना इन्वॉल्व रहा जिससे मेरे सारे सेंसेस क्या हो गए, बुझ गए थे और मुझे अज्ञानता रूपी अंधकार ने घेर लिया था। ही आस्क गॉड टू इम्प्लांट द लाइट ऑफ द लव इन हिम। इन सभी को दूर करने के लिए वो ईश्वर से बोलता है, आग्रह करता है, निवेदन करता है कि वो अपने प्यार का दिया उसमें प्रज्वलित करें। ईश्वर के प्रेम का दिया यदि उसके व्यक्ति के अंदर प्रज्वलित हो गया तो उसकी सारे अज्ञानता जो है वो ज्ञान में बदल जाएगी और उसकी ये मिट्टी की काया सोने की देह यानी अमृत की ओर आगे बढ़ जाएगी। तो बच्चों, हमने आज पोम 1 के क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझे और मुझे आशा है कि आप इसको बहुत अच्छे से नोटबुक में नोट करेंगे। जब आप नोटबुक में इसको नोट करें तो लिखते समय स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखें, साथ ही साथ इसको जब भी मौका मिले आप लर्न करते जाइए। थैंक यू बच्चों। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं, और आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब